लो जी दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं इन्हीं पुरानी दिल्ली की गलियों का रहने वाला हूं और यहीं पे मैं रहता हूं इस भीड़ भाड़ वाली गलियों में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार एक बन कबाब लेकर आया हूं, जिसे हम खाएंगे और टेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके बन कबाब बहुत शानदार होते हैं और लोकली एरिया के अंदर बहुत मशहूर हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं। तो सोचा आज आपको दिखाया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, चितली कबर चौक है फूल वालों का, और मेरे सामने की साइड में तुर्कमान गेट का एरिया है, और यहाँ से राइट हैंड गली पे जाएंगे हम पहाड़ी भोजला में सुहेल भाई बन कबाब वालों के पास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एरिया में मुझे नहीं लगता इनसे अच्छे किसी के बन कबाब हैं, तो चलिए बात करते हैं सुहेल भाई से। दुकान भाई तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी है भाई। और टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग हम 5:30 बजे से 10 बजे तक की शाम को। सुबह में गोश्त बिकता है यहाँ पे और शाम में हम अपने यहाँ कबाब लगाते हैं। खाली कबाब 10 रुपये का है, बन के साथ 15 रुपये। चटनी प्याज लगा के बढ़िया करके, पुदीने धनिया वाली चटनी, हरी मिर्च वाली चटनी, बढ़िया एकदम। क्रिस्पी होके जो है कबाब पलटे जा रहे हैं, शामी कबाब, और ये बफलो कबाब हैं, बड़े के कबाब होते हैं और बहुत रिजनेबल रेट के अंदर है। 15 रुपये का एक है ना भाईजान? कबाब खाली 10 रुपये का है, बन कबाब 15। अगर आपको कबाब खाना है सिर्फ तो 10 रुपये का एक कबाब है, और आपको अगर बन कबाब कंप्लीट खाना है तो 15 रुपये का है, 5 रुपये का बन का रेट आ जाता है। उस पर ग्रीन चटनी और अनियन डाल के देते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। पहाड़ी भोजला के अंदर जामा मस्जिद तुर्कमान गेट में बहुत फेमस शॉप है ये। भीड़ लगी रहती है, मैं थोड़े सोफ्ते के टाइम में आया हूँ जिससे कि मैं सुकून से जो है वीडियो बना सकूं और भाई का थोड़ा सा टाइम ले सकूं। जी भाई क्या कह रहा है? आज हमने देखने वाले मार्केट का है, मैं आपकी वीडियो देखता हूं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आप। बोलिए, हमारे भाई हैं मोनू भाई, इनके कबाब माशाल्लाह मशहूर है पूरे इलाके में, यहाँ पे बन कबाब एक नंबर, इनसे बढ़िया कोई नहीं बनाता। बिल्कुल भाई, तभी हम आए हैं क्योंकि मैं खुद, आपको मालूम है यहीं का रहने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है जो अच्छी चीज़ें वही दिखाएंगे। चलिए शुक्रिया बात करने। समझ लो कि 20-25 साल हो गए यहाँ बराबर आता हूँ खाने के लिए। रहता हूँ मैं ओखला में, ओखला से ही आता हूँ स्पेशली बन कबाब खाने के, और बहुत ही मशहूर है यहाँ के बन कबाब। चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं इसकी, थोड़ी सी ग्रीन चटनी और थोड़ी सी प्याज के साथ। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपको किसी बर्गर में या मैकडोनल्ड्स में नहीं मिलेगा। इसका जो टेस्ट है वो इन्हीं लोकल एरियों में मिलेगा, और जो स्पेशलिस्ट हैं बनाने वाले उन्हीं के पास मिलेगा। आप रेट देखो कितना रिजनेबल है, एक कबाब और एक बन के साथ बन कबाब 15 रुपये का सिर्फ। डबल कबाब चाहिए तो 25 रुपये का है। अगर मैं आपको कबाब की क्वालिटी दिखाऊं तो आप कबाब देखिए, ये देखिए बहुत गर्म और बिल्कुल क्रिस्पी है, ऊपर से और अंदर से बहुत मुलायम है। एक आदमी खाने पे आए तो 10 से 15 कबाब खा जाए, इतने टेस्टी हैं, और तब भी उसकी नियत ना मरे। वाह जी, एक नंबर बन कबाब है, और कबाब भी बहुत आला है। आप चाहो तो रुमाली रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ खा सकते हो, बाकी बन कबाब का तो मज़ा ही अलग है। और ये जो ग्रीन चटनी है इसके अंदर, इस चटनी का तो क्या कहना है, बिल्कुल घर जैसा मज़ा है चटनी का। ढेर सारी चटनी, चटनी में तीखापन नहीं है, हरी मिर्चें पुदीने की चटनी है, और ये
हर बाइट में मज़ा जो है दुगना हो रहा है, जिसे बोलते हैं हम। ये टेस्ट आपको कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। इस टेस्ट के लिए आपको पहाड़ी भोजला, तुर्कमान गेट, चितली कबर, जामा मस्जिद ही आना पड़ेगा, तभी आपको ये टेस्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे थे ये भाई मोनू के कबाब पूरी मतलब पाई पोजला पे फेमस है। इनके कबाब हम रोज़ खाते हैं। रोज़ खाते हो? जी, इनके कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। घर वाले भी खाते हैं या अकेले खाते हो? घर वाले भी खा लेते हैं, हम भी खाते हैं। स्कूल जाते हो? यस। ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस? ऑनलाइन। चटनी किसमें भी नहीं है, दोनों में से।